नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 आरसीबी टीम को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इनके स्क्वाड में एक और खिलाड़ी अब जुड़ चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन सा नया खिलाड़ी आरसीबी टीम के स्क्वाड में शामिल हुआ है, यही बातचीत हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी टीम ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। 3 दिन हुए हैं लगातार, तीसरे दिन भी आरसीबी टीम जो है अभ्यास करने उतरी है ट्रेनिंग कैंप में। वहां पर तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दिनेश कार्तिक, फैब डुप्लेसिस, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, हर्षल पटेल, फिन एलन, इसके अलावा वनिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी जो है लगातार ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है और आरसीबी टीम के लिए अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरसीबी को आईपीएल 2022 में पहला मुकाबला जो है 27 मार्च को खेलना है। 27 मार्च को आरसीबी की टीम पहले मुकाबले में पंजाब का सामना करने वाली है। ये मैच आरसीबी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनके 2 से 3 दिग्गज खिलाड़ी इस मैच को मिस कर देंगे, यानी कि वो पहले शुरुआती मुकाबलों में आरसीबी टीम से बाहर रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है आरसीबी टीम के लिए पहले कुछ मैचों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, खासकर जॉश हेजलवुड और मैक्सवेल की कमी जो है आरसीबी टीम को खलने वाली है शुरुआती कुछ मैचों के लिए। जेसन बेरेंडॉफ भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो जो है 11 अप्रैल के बाद आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैक्सवेल और जॉश हेजलवुड 6 अप्रैल के बाद ही अवेलेबल हो जाएंगे आरसीबी टीम के लिए। 6 अप्रैल के बाद वो खेलते हुए दिखाई देंगे, मगर 6 अप्रैल के पहले जितने भी मैचेस आरसीबी टीम खेलेगी उसमें ये दोनों खिलाड़ी हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। मैक्सवेल की तो शादी होने वाली है, वहीं ऑस्ट्रेलियन रूल्स के हिसाब से सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो 6 अप्रैल के बाद ही आईपीएल के लिए अवेलेबल रह पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन सा नया खिलाड़ी जो है आरसीबी टीम के स्क्वाड में शामिल हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आरसीबी टीम ने कुलवंत खेजरोलिया को अपने स्क्वाड में शामिल किया है एज अ नेट बॉलर। जी हाँ भाइयों, ये जो है दिल्ली टीम के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक में, और इन्हें आरसीबी टीम ने एज अ नेट बॉलर जो है अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अब पूरे सीजन जो है आरसीबी टीम के साथ जुड़े रहेंगे, बल्लेबाजों को नेट्स में प्रैक्टिस करवाएंगे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते हैं, इसलिए आरसीबी टीम ने इन्हें एज अ नेट बॉलर जो है रखा हुआ है आईपीएल 2022 सीजन के लिए। ये पहले आईपीएल में दिल्ली की टीम में थे, लेकिन अब जो है आरसीबी टीम ने इन्हें एज अ नेट बॉलर रख लिया है। मेरे ख्याल में शायद से ही आरसीबी टीम के लिए पहले खेल भी चुके हैं, उनके स्क्वाड में ये शामिल भी रह चुके हैं, मगर अब इस बार आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम ने बल्लेबाजों को अभ्यास करवाने के लिए पहला नाम, जो बड़ा नाम सामने आया है एज अ नेट बॉलर, वो है कुलवंत खेजरोलिया का। दोस्तों, इन्हें जो आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है एज अ नेट बॉलर, यही नए खिलाड़ी के रूप में आरसीबी टीम के स्क्वाड से फिलहाल जुड़े हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।